सो हेलो दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा वायरस हो गया है और आपका फ़ोन काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो बने रहिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए। तो आज हम बताएंगे कि अपने फ़ोन की बैकअप रिसेट कैसे करें और अपने फ़ोन में विंडो स्केल के ज़रिए आप अपने फ़ोन की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से हम एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में, बैकअप रिसेट का। यहाँ से इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट, इरेज ऑल डाटा ऑन फोन। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और आपको एक नीचे देखिए, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इरेज ऑल डाटा। सिंपली हम इसी पे क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद एक 5 से 10 मिनट में आपका फ़ोन एक नया हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, उसके बाद बैक आएंगे और अपने फ़ोन की अबाउट फ़ोन में जाएंगे। उसके बाद सिंपली दोस्तों हम यहाँ बैस बैंड एंड कर्नल, इस सिंपली इस पे 3 बार टैप करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में एक नई सेटिंग ओपन होगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। सिंपली हम बैक जाएंगे, उसके बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए गाइज, आपके फ़ोन में एक नया सेटिंग ओपन हुआ है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन, ये देखिए अब आपके सामने एक नया, ये देखिए आपके सामने विंडो एनिमेशन स्केल। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, और ज़्यादातर फ़ोन में ये 0.5 गुणे रहता है। सिंपली हम इसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद ट्रांसिस्टन एनिमेशन जूम, इस सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम 1.5 गुणे पर कर देंगे। उसके बाद बैक जाएंगे, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे, इस एनिमेशन स्केल को 0.5 गुणे कर देना है। उसके बाद सिंपली बैक जाना है। अब ये देखिए आपका फ़ोन एक नया हो जाएगा और आपके फ़ोन में हर सिस्टम नए जैसा काम करेगा। और बैकअप रिसेट करने के बाद दोस्तों एक नया फ़ोन चालू हो जाएगा नए जैसा। फिर उसके बाद सिंपली दोस्तों हम सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन एकदम से नया हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।